भागलपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि कहलगांव थाना क्षेत्र के हनुमान कलानी निवासी राकेश शर्मा की शादी 2015 में हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी शीला देवी मान नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर आरोपी पति राकेश शर्मा पत्नी से बराबर मारपीट और प्रताड़ित कर रहा था। आरोपी का अवैध संबंध उसकी भाभी के साथ बताया जा रहा है, जिसके कहने से आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं मामले को लेकर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। ललिता देवी आपकी ये कौन लगी जिनके साथ ननद हुआ? कितने दिन पहले शादी हुई थी? 2015 में हुआ। तो कैसे इनका डेट हुआ है? इसका गला चिप के मारा है ये। आखिर कोई तो आपसी पहले शादी करने के लिए चाह रहा था, इसको बाल बच्चा ना था, शादी इसको पसंद नहीं था, रात दिन इसको कर ले देता था, भौजा से फंसा हुआ है, इसी कारण वो मार के फेंक दिया। हाँ, इसे भौजा से सास और उसका तीनों मिला हुआ है। कैसे मारा गया? इसको ठोठा चिपके मारा है, जो मुंह से और नाक से खून जा रहा है। पहले भी मारती थी इसके साथ? हाँ, पहले भी खूब मारता था मेरी ननद को, खाने के लिए नहीं देता था। क्या नाम है आपकी ननद का? शीला देवी। कुमार शर्मा। घर कासिमपुरा। आपकी बहन के साथ क्या हुआ था? मेरी बहन के साथ बहुत दुष्कर्म किया वो उन लोगों ने, आज 4 साल से कर रहे थे। और क्या दहेज वहेज का भी मांग कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये बच्चा को लेकर था। बच्चा लेकर गया? क्या कैसे मारा गया है उनको? लग रहा है गला दाब के मारा गया इसको। क्या आपको भी वहाँ पे गए थे, धमकाया गया था क्या? हाँ, आज सुबह जब डेथ बॉडी देखने के लिए गए तो मेरी हमको और मेरी वाइफ को दोनों को वहाँ से भगाया गया कि हम मारे हैं आपको, जो करना। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपकी बहन के? 2015 में हुआ था।